स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास सेकेंड का चैप्टर नंबर 1 साइंस का कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग होगा हमारा थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की चीजें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। थिंग्स अराउंड अस, आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ मिलियन ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स। Everything around us is a part of our surrounding. हमारी जो दुनिया है वो बहुत सारी खूबसूरत चीजों से मिलकर बनी हुई है। हर चीज जो हमारे चारों तरफ है वो सब इसका एक पार्ट है, अंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहाड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब नेचर के एक पार्ट है, अंग है। इनसे मिलकर नेचर बना हुआ है। जो कुछ भी हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं वो सब एक नेचर के रूप में आता है। वी हैव माउंटेन्स, हमारे पास माउंटेन है, पहाड़ है, सीज समुद्र है, रिवर नदियां हैं, फॉरेस्ट जंगल हैं हमारे चारों तरफ। वी हैव माउंटेन्स, सीज, रिवर, फॉरेस्ट अराउंड अस, हम लोग के चारों तरफ नदियां हैं, पहाड़ हैं और जंगल है। वी ऑल्सो सी द सन, हम लोग सूरज को भी देखते हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं, हम लोग सूरज को भी रोज देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। द मून एंड द स्टार इन द स्काई, चांद और तारे जो कि आसमान में होते हैं। दिन के समय हम लोग सूरज देखते हैं और रात के समय हमें चांद और तारे आसमान में दिखाई देते हैं। तो ये सब भी प्रकृति का एक अंग है। वी ऑल्सो सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस, हम लोग भिन्न भिन्न बहुत तरह के पेड़ पौधे और जानवरों को अपने आसपास देखते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको और जानवर बहुत सारे हमारे आसपास पाए जाते हैं। We also see different things in our houses. हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें अपने घरों में देखते हैं, like सोफा, सोफा हो गया, बेड, बिछावन, ये सब चीजें हमारे घर पे पाई जाती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, डेस्क, बेंच, चेयर और स्टडी मटेरियल्स जितने भी हो गए, पढ़ने के लिए सामान, बैठने वाले कुर्सी, डिनर करने वाला टेबल, ये सारी चीजें घर में पाई जाती हैं। ये सब भी प्रकृति का एक अंग है। आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड आवर फ्रेंड्स, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स और हमारे दोस्त आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, वो भी एक प्रकृति का एक मुख्य अंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अब अंग तो देख लिए हम, अब इसमें भी दो तरह के अंग होते हैं, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? सम ऑफ द थिंग्स विच वी सी अराउंड अस हैज लाइफ, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, कुछ चीजें होती हैं हमारे चारों तरफ जिनमें जान होती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और हम इंसान हो गए, इन सब में जान होती है। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जिन भी वस्तुओं में जान होती है वे लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, जो भी जिनमें जान हो वो सब लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, सम ऑफ द थिंग्स अराउंड अस डू नॉट हैव लाइफ इन देम, लाइक हाउसेस, कार, इटीसी, हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें जान नहीं होती, जैसे घर हो गए, कार हो गए, बस, ट्रक, ट्रेन, घड़ी,
ये सब में जान नहीं होती, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। लिविंग थिंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या है ये देखते हैं। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होते हैं, जिनमें जान होती है और जिनमें जान नहीं होती है। ये हम कैसे पता करेंगे, ये जान से तो समझ में नहीं यार, हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसको चलिए देखते हैं हम लोग। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव देयर ऑन, लिविंग थिंग्स अपने से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो अपना जगह हमेशा चेंज करते रहते हैं खाने की तलाश में। और लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस कर सकते हैं, जैसे हमें चोट लग जाती है कहीं पे तो हमें दर्द होता है, ये सब हम महसूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, दैट इज दे रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स अपने ही तरह के एक नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे पेड़ छोटे पेड़ों को जन्म देता है, उनके बीजों से छोटे पेड़ आते हैं, जानवर छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब अपने तरह के जीवों को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे बनाते हैं अपने तरह के जीवों को। प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सब किसको कहते हैं, डू नॉट ब्रेथ, जो सांस नहीं ले सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए टेबल चेयर, क्या आपने कभी टेबल चेयर को सांस लेते हुए देखा है, जाहिर सी बात है नहीं देखा होगा, क्योंकि वे सांस नहीं ले सकते हैं। डू नॉट मूव देयर ऑन, क्या आपने कभी टेबल चेयर को अपने से हिलते हुए देखा है, धक्का दे के हिला दे तो वो बात अलग है, कभी अपने से हिलते हुए देखा है, वे अपने से नहीं हिल सकते हैं क्योंकि उनमें जान नहीं है। डू नॉट ईट फूड, वे खाना नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। कभी आप कोशिश करे होंगे कि अपने बैग को खाना खिला दें, या कभी कीजिएगा तो देखिएगा कि वो अगर खाना नहीं खाता है, या फिर कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को आप खाते हुए नहीं देखे होंगे। अगर आप सोचते हैं कि पेड़ पौधे भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वे सूरज की रोशनी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं और जमीन से अपने भोजन को बनाते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। डू नॉट फील, उनके पास महसूस करने की शक्ति नहीं होती है। डू नॉट ग्रो, वे बढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे बढ़ते हैं, भले वो चल नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते हैं, लेकिन वो बढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए वे लिविंग थिंग्स में गिने जाते हैं। लास्ट आता है हमारा, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वे कभी अपने जैसों को जन्म नहीं देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आप पेन देख लीजिए, कभी आप एक पेन से दूसरे पेन को बनते हुए देखे हैं, अपने से वो नहीं बनता है, उसे कंपनियों में बनाया जाता है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा क्या अंतर है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आती है, नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, नेचुरल अब क्या है और मैनमेड थिंग क्या है, प्रकृति ने क्या बनाया है और हम इंसानों ने क्या बनाया है। सम थिंग्स लाइक सन, कुछ चीजें जैसे कि सन हो गई, द मून चांद हो गया, रॉक पत्थर हो गए, वुड्स लकड़ियां हो गई, एंड वाटर आर नॉट मेड बाय मैन, ये सारी चीजें इंसान नहीं बना सकते, ये सब इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है।
दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ये सारी चीज़ें जो इंसान नहीं बनाते हैं वो नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, ये सब इंसान नहीं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल थिंग्स कहे जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, नॉन लिविंग थिंग्स वैसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें बुक्स आते हैं, ट्रेन्स आते हैं, हाउस आते हैं, क्लोथ्स कपड़े, पेंसिल एंड पेपर मेड बाय मैन। नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते हैं जिनमें जान नहीं होती हैं, उसमें बुक्स आते हैं, ट्रेन्स, हाउस, क्लॉथ्स, पेंसिल, पेपर, जो भी इंसानों ने बनाया है उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं या मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि हम ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड ही होती हैं। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, ये सारी चीज़ें मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं।